बेइंसाफी जो हुई है साडे किसानां नाल, जिस तरीके नाल विचकरे इन्होंने किए ने, जिस तरीके नाल गरीबां दा पेट ते तुसीं लत मारे हो, अमरिंदर सिंह उहदे सामने सिर नहीं झुकाओ। सारियां गल्लां जो कीतियां ने कांग्रेस ने कीतियां ने पंजाब दे किसानी वास्ते, क्योंकि एक सूबा पंजाब दे किसानी दा सूबा है, इहदे कल्ले कल्ले बंदे दे विच चाहे शहर च वसदा है किते रहिंदा है, किते ना किते खून दा रिश्ता है जमीन दे धरती दे नाल, और आ गल्लां आपां ने अपने पंजाब नूं डोबण नहीं देना। एग्रीकल्चर पंजाब दा एक सब्जेक्ट है, सेंटर कोल कोई अधिकार नहीं इसनूं हैंडल करन, और हुण कहते ये किसान पंजाब के ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो होर की करन गया तो लड्डू वंडन गए। वो जो किसान सारी दिन सुबह से शाम तक बेचारे अपने फसल करते हैं, वो टेररिस्ट है क्या? 70 साल के बैठे हैं, 80 साल के वहाँ बैठे हैं, बीबीए बैठी हैं, वो टेररिस्ट लग रही हैं आपको? ऐसे ही फजूल की बातें चैनल उठा देते हैं, टेररिज्म कर रहा है जी, कोई गुंडा व्हाट नक्सल कर रहे हैं जी, फलाना कर रहे हैं, सब नॉनसेंस। आम साधारण लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो किसी के पास आधा एकड़ ज़मीन है, किसी के पास एक एकड़ ज़मीन है, किसी के पास दो एकड़ ज़मीन है, वो हैं बैठे वहाँ। और वो क्यों बैठे हैं? उनको मालूम है कि हम 80 साल के हैं, हम तो 102 साल के मेहमान हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, आने वाली जो हमारी बच्चे होंगे उनके लिए मैं कर रहा हूँ। तो ही दे आर डूइंग इट फॉर देयर ओन सर्वाइवल। अब आधे एकड़ या एक दो एकड़ में कौन आजकल चल सकता है, अपनी अपने परिवार को संभाल सकता है? लेकिन बेचारे और क्या करें, इनके पास और कुछ है नहीं। प्राइम मिनिस्टर सीरियसली इसको देखें और इस बात को ख़त्म करें। दे हैव अगर वो चाहते हैं कि रिपील हो तो रिपील करो, रिपील करके फिर कोई नया कोई कानून बनाना है, फार्मों की जथेबंदियों के साथ बैठ के आप कुछ जो कुछ करना है करो, लेकिन एक बार रिपील। सब ने कहा, आवाज़ पूरे हिंदुस्तान की उठी हुई है अगेंस्ट रिपील, तो रिपील करो।